नमस्कार दोस्तों, लोक सेवा आयोग के द्वारा जो पीसीएस मेंस का एग्ज़ाम हुआ था 2017 में, तो उसकी फाइनल मार्कशीट आयोग ने जारी कर दी है। और देखिए, ये आप जब upsc.up.nic.in की वेबसाइट पर ओपन करेंगे पेज, तो आपको इस तरह से पेज दिखाई देगा। तो इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर अपना डालना है, इसमें फिलअप कर दीजिए, डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर दीजिए, इंटर वेरिफिकेशन कोड इसमें फिलअप कर दीजिए। इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करिए। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपसे एक ओटीपी मांगा जाएगा, जो आपने 2017 का फॉर्म जब अप्लाई किया था उसमें जो मोबाइल नंबर डाला था, तो उस पे ओटीपी आपको प्राप्त होगा। वो ओटीपी आपको ओटीपी वाले कॉलम में फिल कर देना है। अब ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, अगर जिनका मोबाइल नंबर चेंज हो गया है, ठीक है, 2017 में कोई दूसरा मोबाइल नंबर आपने अंकित किया था, अब मोबाइल नंबर आपने चेंज कर दिया है, तो एक तरीका और भी है कि यदि आपने ईमेल आईडी डाली हो उस समय, तो हो वो ईमेल आईडी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप तुरंत ये इसके बाद प्रोसीड के बाद तुरंत उस पेज में आप देखिएगा, ईमेल आईडी वाले ऑप्शन पे जाके वहाँ आपको आपका ओटीपी प्राप्त हो जाएगा। उस ओटीपी को फिल करके आप अपनी मार्कशीट प्राप्त कर सकते हैं। यदि मोबाइल नंबर चेंज हो गया है तो टेंशन की कोई बात नहीं है, आप तुरंत ईमेल आईडी चेक करिए, प्रोसीड ये डाटा फिल करिए, प्रोसीड करिए, इसके बाद तुरंत ईमेल आईडी चेक करिए और उस पर आपको ओटीपी आयोग की तरफ से तुरंत 1 मिनट के अंदर आ जाता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप अपनी फाइनल मार्कशीट प्राप्त कर सकते हैं बिना मोबाइल नंबर पर ओटीपी के। बिना भी आप ईमेल आईडी से ओटीपी प्राप्त करके आप फाइनल मार्कशीट प्राप्त कर सकते हैं।